हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर फॉल गाइस वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग एक बार फिर से क्रिएटर मेड राउंड्स खेलने वाले हैं। तो ये है हमारा पहला राउंड गाइस, ट्रबल टावर, जो कि हार्ड वाले लेवल पे आता है। अब देखते हैं कितना हार्ड है, क्या मेरे से होता है कि नहीं पहली बारी में। 2 मिनट का टाइम दिया है गाइस, काफ़ी लंबा टावर है, सही बता रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा ही ऊँचा है। अब देखते हैं कितनी देर में मैं चढ़ पाता हूँ, और एक बार भी गिरे तो चेक पॉइंट नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं, इसलिए भाई बिल्कुल देख के चलना है अपन को। पंखे पे, अरे उड़ा क्यों नहीं रहा, अच्छा ऐसे उड़ाएगा, ठीक है बढ़िया है। यहाँ से अब मैं इस पर कैसे जाऊँ यार, कूद के जाना लग रहा है लेकिन बहुत ऊपर नहीं है। अच्छा ओके, पंखा उड़ाएगा, ठीक है समझ में आया, ठीक है। तो बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग चाहिए हमें, ओके आ गया, और ये आ गया। अब ये सामने देखो गाइस, अच्छा वो देख लिया मैंने कि यहाँ पे पंचर्स लगे हैं, और टाइमिंग के हिसाब से मुझे जाना पड़ेगा। तो यही टाइम है सही, बिल्कुल दौड़ो यहाँ से जल्दी। आ गया आ गया आ गया, अब कहाँ जाना है भाई, ये आगे। अच्छा यहाँ पे पंखे लगे, एक तो कुछ दिख नहीं रहा यार, बहुत ही ज़्यादा ही मुश्किल हो रही है देखने में। शायद यहीं पे कूदना है, ठीक है ये आ गया। इधर एक रेनबो है, यहाँ से आए और यहाँ पे, अरे भाई ये क्या था, रुको फिर से गलती हो गई गाइस, जंप ही नहीं दबा। 3 लोग स्पेक्टेट कर रहे भाई, सिर्फ 50 सेकेंड का टाइम बचा है भाई, देखे नहीं मैंने गाइस। लग रहा है कि मुझे एक और बार करना पड़ेगा, पहली बारी में नहीं हो पाएगा जो मैंने सोचा था। कितना ऊपर है लेकिन फिनिश लाइन कितनी ऊपर है, और मुझे बस ये मालूम चल जाए, शायद मैं आ ही गया हूँ। हाँ आ गया गाइस, आ गया भाई, बस 30 सेकंड बचे, नीचे नहीं, ओह बढ़िया, लेट गया भाई मेरा बंदा, लेट गया, नीचे नहीं गिरना था, ठीक है। यहाँ अच्छा फिनिश लाइन है कौन सी, दोनों है क्या, नहीं एक ही होगी ना, ठीक है आ गए गाइस, कर दिया हमने पहली बारी में। और इस राउंड का नाम है गाइस स्वेप्ट अवे, मतलब कि शायद इसमें सारे ये रिवर्स एरो ही होने वाले, और भाई बहुत मुश्किल है। मुझे लगा था कि कूद कूद के निकल जाऊंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट बनाए रिवर्स एरो को। इसका मतलब ये है कि हम लोग नीचे पांव रख के नहीं जा सकते गाइस, ये एक तरीके से ना द फ्लोर इज लावा चैलेंज है, जिसने पांव नीचे रखा वो आगे नहीं जा सकता। तो हमें सिर्फ इन ऑब्स्टिकल्स पे ही चढ़ चढ़ के जाना पड़ेगा, और अब तो एग्स भी आने लगी, ठीक है। और नहीं 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 भाई जल्दी, अबे चढ़ जा, अरे यार बहुत दूर है, ठीक है आ गया, मेहनत करी और आ गया, फिर से लेट लेकिन आ गए। लेकिन 25 के 25 क्वालिफाई तो हो जाएंगे, दिक्कत क्या है पता है, टाइमिंग की दिक्कत है। अब तो नहीं जा रहा मैं नीचे से, अच्छा यहाँ पे सामने का एरो, तो यहाँ पे धीरे धीरे टाइमिंग देखते हुए चलना है। ये पंखा अपने आप क्यों घूम रहा है, वो मतलब टर्न स्टाइल, ठीक है आगे निकले, ये एक से भी निकल गए, बस ये लास्ट है, ओके आ गए, और ये कर दिया गाइस क्वालिफाई। और इसका नाम है गाइस बैलेंसिंग एक्ट, मतलब कि इसमें बैलेंस करना पड़ेगा। इसमें भी 2 मिनट दिए हैं, आराम से चलना है, ठीक है। यहाँ पहला वाला, अरे यार टाइमिंग देखनी पड़ेगी, ठीक है। वाईफाई भी पता नहीं क्या हो रहा है इसको, यहाँ पे सिग्नल इशू दिखा रहा है, लेकिन निकलना तो पड़ेगा, ठीक है ये आ गए। अब सामने वो नीचे नहीं, अरे यार मुश्किल था भाई, अरे यार स्टार्टिंग से चालू करवा दिया, चलो फिर से करते हैं यहाँ पे। अरे ये क्या है, ठीक है ज़बरदस्ती, मतलब हिट क्यों खाई इसने, कैसे ये कैसे भाई, बिल्कुल बीच में ही चलना पड़ेगा क्या यार, ऐसे कौन बनाता है, पूरा बीच में चलना पड़ेगा लग रहा है। तो हल्का सा भी साइड जाने पे नीचे गिरा दे रहे, ये बंदा नीचे गिरेगा मेरे सामने वाला, ठीक है यहाँ से आए और ओ बढ़िया, ठीक है बीच में गाइस, बीच में जम करना है, बीच में आराम से, बीच में ये हो गया, चलो अब पंचर से निकलना है, ठीक है इसको, अच्छा जगह है ही नहीं बिल्कुल भी, एक बंदा कर भी लिया क्वालिफाई, ठीक है आए पीछे से, ये निकल गया आगे, ये तो हो गया, अब ये वाले पंचर से निकलना है, ठीक है ये निकल गया आगे, नहीं नीचे नहीं गिरना, नीचे नहीं गिरना, इतनी सी जगह थी वहीं से इसको नीचे गिरना था, बनाया किसने राउंड, ये इतनी सी जगह का गैप क्यों छोड़ के रखा है भाई, कौन है ये क्रिएटर, मतलब फॉल गाइस वाला है, कौन है ये सबमिट करो, ये क्या है, ये इतना सा गैप, ये फिर गिरेगा, अभी बच गया मैं भाई, 40 सेकंड में क्या पहुँच पाऊँगा मैं, मुझे तो नहीं लग रहा है वैसे, लेकिन भाई ट्राई करने में क्या हर्ज है, वैसे हो सकता हूँ शायद मैं, अगर मैं गिरूँ नहीं यहाँ पे, बस मुझे सीधी रॉड चढ़नी गाइस, क्या कर सकते हैं गाइस हम लोग 30 सेकंड में, चलो यहाँ पे दौड़े दौड़े, आ गए कूद कूद बीच में, चल भाई भाई यहाँ पे अगर गिर गया ना मेरा मन भी नहीं होगा वापस आने का, सही में इतना मुश्किल हो रहा है, थोड़ा सा बीच में ये आए, और बढ़िया 20 सेकंड बचते हुए हम लोग क्वालिफाई कर गए। और इसका नाम है सरपेंट स्लैलम गाइस, तो इसमें क्या है, सांप है क्या, मतलब लग तो रहा है सांप जैसा, ये क्या था यार, इतना दूर भी नहीं था यार नीचे गिरने लायक, ठीक है इस बार डाइव मार दूंगा, ज़्यादा दूर लगा तो, वैसे नहीं है गलती से गिर गया, ठीक है यहाँ पे आए, और ये क्या है भाई ये, अरे कौन पकड़ा बे, पकड़ा कौन अभी बताता हूँ, रुक जाओ, एक तो वैसे ही यहाँ पर मुश्किलें हो रही हैं, और ये पकड़ के और बाहर करवा दिया, ग्रैब वाला फीचर हटाओ पहले तो, अब अरे अरे बहुत मुश्किल है भाई, सही टाइम पर निकल गया, ठीक है ये वाला तो थोड़ा ईजी लग रहा है, ये जैसी जाएगा
ये मारी डाइव, बच गए। अब ये क्या, अभी ये तो उल्टा कर दिया, इसने ऑब्स्टिकल को ही उल्टा कर मारा है पूरा रिवर्स। ठीक है, यहाँ पे तरबूज भी आ रहे हैं। अभी ये रुक जाओ गाइस, नहीं 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 नहीं, ये क्या हल्के से एज पे आके नीचे कैसे गिर जाता है ये। यार एक मिनट बचा है गाइस, ये वाला लगता है पहला राउंड होगा जो मैं पहली बार में नहीं कर पाऊंगा। एज में से क्यों नीचे गिर रहा है यार, ये कौन सा गड्ढा किसने खोदा है, क्यों खोदा है। रुको फिर से आए यार, बीच में जो जगह दी है ना वहाँ से फिर चढ़ना है मैं ब्लू वाले से। ठीक है, यहाँ पे नहीं, अब रिस्क लूँगा ही नहीं भाई, कोई रिस्क नहीं लेने का है। यहाँ से आए, यहाँ से आए, अब ये चढ़ जा। ठीक है, यहाँ पे चढ़ गए, आगे 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 गए, 40 सेकंड बचे, कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे आ रहे हैं, आ रहा हूँ, बस मैं आ रहा हूँ। तरबूज भाई, इतनी मेहनत करके आया था यार, भाई बाहर हो गया मैं भाई, बहुत दूर है मुझे, आगे तो एक पंखा भी दिख रहा है, वहाँ तक तो मैं गया भी नहीं हूँ। 30 सेकंड में कैसे जाऊँगा, ट्राई करके देखते शायद चले जाऊँ। तरबूज अटक गया इधर, अब तो भाई फुल स्पीड में, गिरे तो गिरे, आए तो आए, 20 सेकंड बचे भाई जल्दी। अरे क्या है ये, अटक क्यों रहा है, 16 सेकंड, कम ऑन, क्या हम जा सकते हैं, 15 13 12 11, चल 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 चल। अरे यार कितना लंबा है ये भाई, 10 8 7 6, यार मैं बाहर हो गया। कितनी दूर है और कितनी दूर है, अरे बहुत दूर है भाई, अभी तो नेक्स्ट टाइम करना पड़ेगा। इस बार आ गया मैं, 50 सेकंड रहते गाइस, क्या कर सकते हैं, 4 लोग स्पेक्टेट कर रहे हैं, करना पड़ेगा इनके लिए। यहाँ पे सामने मेरा पंखा आ गया भाई, चेक पॉइंट तो मिल गया ना, 5 लोग हो गए, लगता मैं ही लास्ट हूँ। रुको फिर से, इस बार नहीं, यहाँ से तो पंखा नीचे आ रहा है, यहीं से चलते भाई, रिस्क तो यहीं से लेते हैं। और यहाँ पे कूद गया मैं पंखे के ऊपर, बढ़िया, और ये सिलेंडर के ऊपर, और फिनिश लाइन कहाँ है मेरे भाई, अच्छा नीचे थी, ठीक है आ गए गाइस। अब क्रिएटर फीचर जो प्लेलिस्ट नंबर 3 है गाइस, वो खेलने जा रहे हैं हम लोग। तो इसका नाम कुछ ब्लूबेरी टाइप था, और नीचे गड्ढा बनाया, बहुत बढ़िया भाई, ये क्यों किया, ये क्या है, ये पिंक पिंक क्या है ये, मतलब ऊपर चढ़ना है इसमें है ना, लेकिन चढ़ने के लिए अच्छा इसका सहारा हम लोग ले सकते हैं। और ये गाइस, ये मतलब बिल्कुल जैसे सोलो मोड होता है ना वैसे, तो इसमें क्वालिफाई करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 24 के 24 लोग हो जाएंगे है ना, फ्री में हलवा तो बट नहीं रहा है, तो इसलिए हम लोग को जल्दी क्वालिफाई करना पड़ेगा। सामने से जामुन भी गिर रहे हैं, और कितने ऊपर जाना है, और 3 लोग हो भी गए भाई, जल्दी चलो थोड़ा। ठीक है, यहाँ यहाँ, अरे यार गलती से पीछे वाला नहीं टकराना है, उससे और पीछे चल जाएगा, सामने की तरफ बूझ देते, हाँ ऐसे तो ठीक रहेगा, 12 लोग आ चुके, चलो मैं भी आ गया। और इसका नाम है सर्किट ब्रेकर्स, तो इसमें भाई अच्छा ये पीछे की तरफ जा रहे हैं यारो, तभी स्लाइड मारने का कुछ मतलब नहीं रहेगा। और ये अरे क्या है, ये क्या है भाई, मतलब करना क्या है इसमें यार, आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, ये बाउंसी तो नहीं है ना, ये बाउंसी हुए ना तो मैं नीचे गिर जाऊँगा, चलो बाउंसी तो नहीं है ये। ठीक है, निकल के आके आराम से इस हैमर से बच के जाना है, अभी थोड़ा रुको और आए, और बढ़िया टाइमिंग के साथ आए बीच में बिल्कुल, अरे आगे की तरफ डाइव मारनी पड़ेगी, अब फिर बीच में चलते हैं, इस बार भी टाइम बढ़िया, लटक गया और पंखा जस्ट मुंह के आगे ही था, वो तो अच्छा हुआ मैं डायरेक्ट नहीं गया, अच्छी किस्मत थी। अब यहाँ पे इन हैमर से बच के जाना है, ठीक है रुके चले, रुके चले, और ये चले चले रुके और चले गाइस। ये क्या है अब, अच्छा ये बाउंसी होगा मुझे लग रहा है, इससे टकराएंगे नहीं, आराम से आराम से आराम, अरे ये तो बहुत ज़्यादा है यार, ज़्यादा बाउंसी नहीं है ये, हल्के से टकराने पर नीचे फेंक दिया। रुको, अरे मुझे जान दिया तो तू चले जा, हाँ ऐसे नीचे गिरना, चलो हो गया, अरे यार एज पे लग गया, कोई नहीं इस बार ये वाली साइड। ठीक है, क्या है ये, अब कर ही लेना है गाइस, क्योंकि 14 लोग होने हैं, और 14 बार तो मैं नीचे गिर चुका हूँ, इसलिए अब नहीं, अरे रुक जाना, इसको क्या जल्दी है यार, रुक तो जा, चल जा, चलो मैं भी आ गया, मगरमच्छ को बहुत जल्दी है। ठीक है, यहाँ से इसके ऊपर नहीं चढ़ना है, नहीं चढ़ना था भाई, नहीं चढ़ना था, आ गया, बढ़िया यार, चेक पॉइंट नहीं लिया था ना शायद मैंने, बहुत ज़्यादा पीछे चालू करना पड़ जाता यार, बढ़िया है कि मैं आ गया बच के, और आगे गाइस फिनिश लाइन दिख गई, चलो यहाँ भी लेज ग्रैब करना पड़ेगा और आगे। इसका नाम है वाइंडिंग वॉक अवेज, और चालू होते ही डोर डैश दे दिया, और पहला ही डोर गलत, बहुत ही बढ़िया, पहले ही पीछे करवा दिया हमें। ये वाला राउंड देखने में मज़ेदार लग रहा है, लेकिन मुझे पिक्सल वाले थीम ना बिल्कुल बेकार लगते हैं भाई, ये वाला थीम ही सही लगता है। अब इसमें मुझे लग रहा है सामने के सामने मुझे यही दिख रहे हैं सिर्फ, लगता है यही करते हो जाना, और बीच में से चलेंगे भाई, ये वाली सिलेंडर भी बड़ी है थोड़ी। ठीक है, चेक पॉइंट मिल गया, ठीक है यहाँ भी वही करना है, तो मतलब यही है मेन ऑब्स्टिकल है ना, ये हैमर, इससे बच गए तो फिर बच गए, रुक जा भाई, अरे आए 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 आए, बढ़िया आए, यहाँ हर जगह यही इंस्टॉल करके रखे हैं भाई, फिर से चलते हैं। इससे भी लोग गिर रहे हैं, क्योंकि जल्दीबाजी बहुत कर रहे हैं ना, जैसे कि ये तो नहीं गिरेगा, चलो मैं आ गया हूँ, ये सही खेल रहा है बंदा, ऐसे रुक के चलना है। ठीक है, चेक पॉइंट मिल गया है फाइनली, अब आगे हम लोग पंखे वाले राउंड में है ना,
तो इधर क्या करना है, अच्छा यहाँ पे स्लाइड मार के जानी है और बढ़िया टाइमिंग वाली जंप चाहिए। अब पंखे से बच के जाना है, इसको जान देते हैं, रुक जाओ थोड़ा खड़े हो जाएंगे तो क्या चले जाएगा। ठीक है ये भी आ गया, चलो हम दोनों आए और कूद के आ गए और ये रेनबो हर जगह फिट करके रखे। अब इसको निकलने दो, रुको और निकलने दो, अब चलते हैं। और ये क्या है, ये नया रेनबो दिख रहा है भाई, इसके तो दांत भी निकल रहे। ठीक है यहाँ से आए पंखे से, ये तो मैं कर लूँगा, मुझे पेंट स्प्लैश की आदत हो गई है और ये हो गया। चलो इसके ऊपर कूदे फिर से कोई। ठीक है यहाँ पे चेक पॉइंट बढ़िया है, रख दिया है, मैं वही पूछने वाला था कि भाई चेक पॉइंट कहाँ पर है। अब इस हैमर से बच के निकलने का, यही लास्ट है गाइस, यही लास्ट है, रुक जाओ। ठीक है अब चलो आगे, ये आए, ये दांतों के ऊपर चढ़े, पंखा यहाँ पे, अरे नीचे नहीं, रुक जाओ पंखे को जान दो जान दो जान दो, और मैं आऊँगा तीसरा गाइस, थर्ड आएंगे हम लोग। और ये है फिनाले गाइस माउंट बूम, क्या मैं जीत पाऊँगा, मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि ये बूम वाला तो वैसे मुझे समझ में आता नहीं है। ठीक है उन लोगों की किस्मत अच्छी थी, वहाँ से जल्दी निकल गए भाई, हमें भी वहीं स्पॉन दे देते ना। ठीक है यहाँ पे ज़्यादा पीछे है नहीं, हम लोग सेकेंड या थर्ड पे हूँ मैं, यहाँ पे फिर पीछे कर दिया, अब हो गया मैं पीछे, अब बिल्कुल आराम से खेलना पड़ेगा। बहुत लोग आगे, दो लोग आगे हैं वैसे, अरे 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 नहीं, अरे भैया क्या है ये, चढ़ क्यों नहीं पाए, ये लेट करा दिया यार फालतू। इधर से अब हैमर आ रहा है, क्या करें, रुकना तो पड़ेगा वैसे। ठीक है आ गए, और ये बड़ा वाला हैमर भी है, लेफ्ट वाली साइड चलते हैं क्योंकि ये जाएगा राइट तब हम जाएंगे लेफ्ट, और इसको करने कंप्लीट। लेकिन अब जीतने का मुझे चांस बिल्कुल नहीं लग रहा है, ये गलती कर दी, नहीं 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 भाई आराम से, रुक जाओ क्यों जल्दीबाजी कर रहा हूँ मैं, आराम से, वैसे भी हार चुके हैं तो अब जल्दीबाजी करके मतलब है नहीं, जितना क्लोज जा सके उतना क्लोज जाना है हमें। ठीक है ये बढ़िया, अरे हाँ यार ये था ना, अब कितना पीछे हूँ मैं, वैसे ज़्यादा पीछे नहीं होऊंगा, अरे यार फिनिश लाइन तो जस्ट आके भाई, अबे मैं कर सकता हूँ, अबे मैं कर सकता हूँ भाई, जल्दी चल जल्दी चल, अरे जल्दी चल यार, मेरे को उसके ऊपर से जाना था बूम के यार इन लोग की तरह। कोई नहीं गाइस कोई नहीं, तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी फॉल गाइस की वीडियोस देखने के लिए। और अगर मेरे पिछले फॉल गाइस की वीडियो देखनी हो तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।